हेलो स्टूडेंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स का नाइन्थ वीडियो और डबल पॉइंट्स का फिफ्थ वीडियो। एग्जांपल्स का क्रम जारी है और अब देखिए एग्जांपल फोर। एग्जामिन द नेचर ऑफ द ओरिजिन ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। देखिए इसको, y स्क्वायर इक्वल टू x टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1। इट पासेस थ्रू द ओरिजिन है ना। टेंजेंट्स एट ओरिजिन आर ये 5 डिग्री वाला टर्म है, ये 4 डिग्री का टर्म है, ये 2 डिग्री का टर्म है। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विच गिव्स y इक्वल टू 0 इस परिस्थिति में कंफ्यूजन वाला परिस्थिति है ना। ये ओरिजिन या तो कस्प होगा या तो कंजुगेट पॉइंट होगा। देयरफॉर ओ 0 0 इज अ कंजुगेट पॉइंट। और आ कस्प, अब इसको डिस्क्रिमिनेट हम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेकंड लेवल डिस्क्रिमिनेशन। चूंकि y इक्वल टू 0 कॉमन टेंजेंट है, जैसा कि वर्किंग मेथड में हमने बताया था y इक्वल टू p इक्वेशन ऑफ 1 में, इक्वेशन ऑफ कर्व में हम रखेंगे। पुटिंग y इक्वल टू p इन वन वी गेट पी स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना यहाँ पे उद्देश्य होता है, तो पी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर इसको हम पी के लिए सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग फॉर पी वी हैव पी इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है ना, पी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, पूरा रूट में लिख दे, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4। नेगलेक्टिंग, अगला कदम ये होता है, नेगलेक्टिंग हायर पावर टर्म्स इन द रेडिकल। वी हैव पी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स टू द पावर 4। एक्स पॉजिटिव हो अथवा निगेटिव हो, पी का मान सदैव रियल ही आएगा। तो पी का रियल होना एक्स के साइन पर निर्भर नहीं कर रहा है। अगर पी का रियल होना एक्स वाई जो भी मौजूद है उसके साइन पे डिपेंड करता तो सिंगल कस्प होता, और नहीं डिपेंड कर रहा तो डबल कस्प। तो फिलहाल यहाँ पे लिखिए विच इज़ रियल फॉर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स। स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स हम ले रहे हैं तभी तो हायर पावर निगलेक्ट कर दे रहे हैं। अगर x स्मॉल है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो उसकी बड़ी बड़ी पावर्स और स्मॉल हो जाएंगे, इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। स्मॉल वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर ओ 0 0 इज अ डबल कस्प। मोरओवर P1 into P2, which is
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर टू, जो कि बराबर होगा सी बाई ए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थियरी तो आप जानते होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माने सी बाई ए माने कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टू डिग्री टर्म, तो हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर फोर इंटू एक्स प्लस वन, फिर हायर पावर छोड़िए, नेग्लेक्टिंग हायर पावर टर्म्स वी हैव पी वन इंटू पी टू इज इक्वल टू माइनस एक्स टू दी पावर फोर, जो कि निश्चित रूप से निगेटिव है, तो P1 P2 पॉजिटिव होने पर सेकेंड स्पीसीज, नेगेटिव होने पर फर्स्ट स्पीसीज, इसका मतलब ये हो गया कि देयर फोर टू वैल्यूज ऑफ P है ना, दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों के साइन अपोजिट है, टू वैल्यूज ऑफ P आर ऑफ अपोजिट साइंस, एंड सो ओरिजिन इज ऑफ फर्स्ट स्पीसीज। फाइनली वी कंक्लूड दैट, आंसर लिखने का ढंग देखो, द ओरिजिन इज अ डबल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फाइव देखिए, एग्जामिन द नेचर of the origin on the curve y square minus x square y minus x to the power 4 into y plus x to the power 6 equals to 0. y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स टू दी पावर फोर इंटू वाई प्लस एक्स टू दी पावर सिक्स इक्वल्स टू जीरो, नंबर वन ओरिजिन से होके जा रहा है, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, टेंजेंट्स एट ओरिजिन, आर स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म यही अकेला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जो कि सॉल्व करने पर देगा वाई इक्वल टू जीरो, ये केस है आइदर कस्प और अ कंजुगेट पॉइंट, देयरफॉर ओ जीरो जीरो माने ओरिजिन इज अ कंजुगेट पॉइंट और अ कस्प, ठीक, डिस्क्रिमिनेशन सेकंड लेवल का, y इक्वल टू जीरो कॉमन टेंजेंट है, इसलिए हम y इक्वल टू p रखेंगे, पुटिंग y इक्वल टू p इन वन वी गेट p स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स टू दी पावर फोर इंटू पी प्लस एक्स टू दी पावर सिक्स इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर फोर दिस होल मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस एक्स टू दी पावर सिक्स इक्वल टू जीरो। नंबर टू, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी। नाउ वी सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई श्रीधराचार्य फार्मूला। इम्प्लाइज दैट पी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टोटल अपॉन टू, है ना। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर फोर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर फोर होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स टू दी पावर सिक्स अपॉन टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। ठीक, रेडिकल के अंदर हायर डिग्री टर्म्स को नेग्लेक्ट करिए। नेग्लेक्टिंग हायर डिग्री टर्म्स या हायर पावर टर्म्स एक ही बात है इन द रेडिकल। रेडिकल जो करणी वाला होता है ना, करणी का चिन्ह, इसको अंग्रेजी में रेडिकल कहते हैं। ये जो है रेडिकल है, ये आपको हम बता चुके हैं, फिर एक बार चर्चा कर दे रहा। और करणी के अंदर जो कुछ भी लिखा हो, मान लो एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो एफ ऑफ एक्स को रेडिकेंड कहते हैं। आर ए डी आई सी ए एन डी, ये सब भी जानते चलिए। ओके, इन द रेडिकल वी हैव P इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर फोर प्लस माइनस अंडर रूट, क्या क्या आएगा देखो, इसका जब स्क्वायर करोगे तो इससे आएगा 4 डिग्री टर्म आएगा, इससे 8 डिग्री टर्म आएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से 6 डिग्री टर्म आएगा, ये भी 6 डिग्री टर्म है। तो 4 डिग्री वाला रखो बस, x टू दी पावर 4 अपॉन 2। तो P का रियल होना x के साइन पर निर्भर नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, विच इज रियल फॉर ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव स्मॉल वैल्यूज ऑफ x। देयरफॉर ओरिजिन इज अ डबल कस्प, मोरओवर पी वन इंटू पी टू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर टू इक्वल टू एक्स टू दी पावर सिक्स अपॉन वन, यही तो आएगा एक्स टू दी पावर सिक्स जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब सेकेंड स्पेसीज। देयरफॉर ओ जीरो जीरो इज ऑफ सेकेंड स्पेसीज। फाइनली वी कंक्लूड दैट द ओरिजिन इज अ डबल कस्प ऑफ सेकेंड स्पेसीज। डबल कस्प ऑफ सेकंड स्पीसीज, जैसा वर्किंग मेथड हम लिखते हैं वैसे ही आप करते चलिए, क्वेश्चन अपने आप होते चलेगा, अपना दिमाग बीच में नहीं बढ़ाइए, खोंचा नहीं मारिए। हम वर्किंग मेथड जब कभी लिखवाते हैं तो इस लैंग्वेज में, इस लहजे में लिखवाते हैं कि बस जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे करते चलिए, मंजिल मिल जाएगी, बशर्ते कि आप अपना दिमाग उसमें ना बिड़ाइए। क्योंकि कुछ लोग बच्चे हैं, पहले से पढ़ लेते हैं, कोई आइडिया फॉर्म कर लेते हैं, अब वो आइडिया उनके दिमाग में पड़ा होता है तो फिर दूसरे की ट्रेनिंग कर रंग चढ़ने में दिक्कत होती है। आइए एग्जाम्पल नंबर 6 देखें।
एग्जाम्पल सिक्स, एग्जामिन द नेचर, एग्जामिन द नेचर ऑफ द ओरिजिन ऑन द कर्व वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस एक्स टू द पावर 7 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स टू द पावर 7 इक्वल्स टू 0। नंबर वन, ओरिजिन से होके कर्व जाएगा ना, जाएगा क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 रखोगे तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, माने संतुष्ट हो गया, वाई सेटिस्फाई हो गया। इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन माने कि ओरिजिन इस कर्व पर स्थित एक बिंदु है, तभी तो उसका नेचर निकालने के लिए कह रहा है। टेंजेंट्स एट ओरिजिन, टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म्स बटोर करके जीरो के बराबर कर दिया जाता है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म एक ही टर्म है वाई स्क्वायर, बाकी सब बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जिसको सॉल्व करने पर वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है। यानी टेंजेंट्स आर रियल एंड को इंसिडेंट। टेंजेंट अगर इमेजिनरी आ जाए तो ओरिजिन कंजुगेट पॉइंट होगा, टेंजेंट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट आ जाए तो ओरिजिन नोड होगा। टेंजेंट रियल और कोइंसिडेंट आ जाए तो ये डाउटफुल केस होता है। इस केस में ओरिजिन या तो कंजुगेट पॉइंट होगा या तो कस्प होगा। देयरफॉर ओ 0 0 यानी कि ओरिजिन इज अ कंजुगेट पॉइंट और अ कस्प। इसके बाद फिर हम सेकेंड लेवल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि आखिर में तय हो, फिक्स हो कि कंजुगेट पॉइंट है अथवा कस्प है, क्या है डिस्क्रिमिनेशन। पुटिंग y इक्वल टू p इन वन वी गेट पी स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पी प्लस एक्स टू द पावर 7 इक्वल टू 0। ऐसा करने का मकसद होता है कि p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। अगर p पे बड़ी बड़ी घात हैं सब छोड़ दिया जाता है, इतना रखते हैं जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। p के लिए सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग फॉर p बाय सिद्धाचार्य मेथड। p इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 माइनस 4 एक्स टू द पावर 7 अपॉन 2। रेडिकल में अगर टर्म एक से ज्यादा है तो फिर हायर डिग्री टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्टिंग हायर पावर टर्म्स, हायर पावर टर्म इन द रेडिकल। वी हैव p इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 अपॉन 2। अब इस स्टेज में अगर x के सभी मानों के लिए p इमेजिनरी हो जाए तो डबल पॉइंट कंजुगेट पॉइंट होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो कंजुगेट पॉइंट नहीं होगा, कस्प होगा। और कस्प में भी कौन सा कस्प होगा, टाइप्स ऑफ कस्प होते हैं, तो उसके लिए अब हम बात कही करने जा रहे हैं। देखो रेडिकल के अंदर एक्स टू द पावर 6 है, एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये जो एंटिटी है क्वांटिटी है ये हमेशा रियल ही होगा। विच इज रियल,
फॉर ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी पी का रियल होना एक्स के साइन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पी का रियल होना साइन पे डिपेंड करता तो सिंगल कस्प, नहीं डिपेंड कर रहा है तो डबल कस्प। देयरफॉर ओ जीरो जीरो इज अ डबल कस्प। मोरोवर पी के दो वैल्यूज आएंगे, दोनों के साइन के बारे में हम इंफॉर्मेशन जुटाएंगे। अब मोरोवर पी वन डॉट पी टू विच इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन टू, है ना। पी में क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स होंगे ना, हमने मान लिया पी वन पी टू है, तो सी बाई ए माने कि एक्स टू दी पावर सेवन, ये हो गया एक्स टू दी पावर सेवन। अब यहाँ पे आपको विचार करना है, पी का रियल होना एक्स के पॉजिटिव नेगेटिव होने पर डिपेंड नहीं करता है। एक्स पॉजिटिव हो तब भी ये रियल, एक्स नेगेटिव है तब भी ये रियल, यानी यहाँ से कोई रिस्ट्रिक्शन प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है ना। ये पॉजिटिव होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड नेगेटिव होगा फॉर एक्स लेस देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो एक्स लेस देन जीरो दोनों ही के लिए ये वैलिड है ना, तो वहाँ भी दो केस बन गए। P1 डॉट P2 पॉजिटिव होगा तो सेकंड स्पेसीज, नेगेटिव होगा तो फर्स्ट स्पेसीज, का मतलब ये बोथ स्पेसीज का केस है। देयरफॉर O00 इज ऑफ बोथ स्पेसीज, दस द ओरिजिन इज अ डबल कस्प ऑफ बोथ स्पेसीज, बोथ स्पेसीज, ऐसे पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ आस्को इन्फ्लेक्शन। एंड सो द ओरिजिन इज अ पॉइंट ऑफ आस्को इन्फ्लेक्शन, आस्को इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ आस्को इन्फ्लेक्शन का केस डबल कस्प वाले में ही आता है। सिंगल कस्प अगर है तो उसमें पॉइंट ऑफ आस्को इन्फ्लेक्शन का केस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं, अगले वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू वेरी मच।